हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर शानशीर, वेलकम बैक टू द चैनल ज़रा ब्लॉग्स। और आज फिर से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम, और हमारा जो ट्रिप है वो होने वाला है दिल्ली का। आदिल भाई हमारे रेडी हो चुके हैं। आदिल भाई चलते हैं दिल्ली वालों के पास, दिल वालों के पास चलते हैं भाई। दिल्ली है दिल वालों की, चलते हैं, देखते हैं। लेट्स सी। वैसे पिछले साल भी गया था मैं, आपने व्लॉग देखा होगा पिछले वाला, लेकिन उस टाइम पे उतना टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने का अच्छे से। इस टाइम इंशाल्लाह ऐसा इंटेंशंस है हमारे कि अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बाकी चलते हैं यहाँ से, अभी अपने रूम से निकल रहे हैं, 11 बज रहे हैं और लेट्स गो। पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम 17 बस स्टैंड पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, जहाँ से हमें CTU लेना है। सो CTU काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है दिल्ली जाने के लिए, चंडीगढ़ से स्पेशली। और बाकी हमारे आज के जो साथी है, आतिब भाई, आदिल भाई तो आप देख ही चुके हो, आरिफ भाई है और हमारे फैज़ान भाई, बाकी ये सारे लोग को आप जानते ही है। बाकी आतिब भाई से पूछेंगे आज की ट्रिप के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आतिब भाई, कितने एक्साइटेड हो इस ट्रिप के लिए? बहुत एक्साइटेड है, 2 साल से ये प्लान बन रहा था, आज जाके इसका एंजॉय मिला है। चलो चलो, अच्छा हो गया जी, बस एग्जाम खत्म हो गया, बस एंजॉय करने जा रहे हैं। और ये भी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। मतलब कितने कब बनाया था हमने ये प्लान? ये तो हमें जब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब फोर्थ ईयर में आ गए, तो अब जाके ये प्लान यही मेरे को लग रहा है कि सक्सेसफुल। मतलब तकरीबन 2 साल हो गए इस प्लान को, ढाई साल हो गए। हमने पहले बहुत प्लान बनाए लेकिन हमें कोई सक्सेसफुल, हमें सक्सेस नजर नहीं आई। चलो अब ये हो गया, इसमें मिली हमें सफलता, हम आज निकले हैं दिल्ली की तरफ, देखते हैं क्या होता है। सो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। लेकिन आपका ये पहली बार दिल्ली जाना है, हम तो पहले से गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी पहुंच चुके हम थोड़ा कुरुक्षेत्र से थोड़ा पहले, और यहाँ पे साइड में रुके कुछ नाश्ता पानी के लिए। तो जब भी बस निकलती है दिल्ली से या चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़, तो बीच में रास्ते में एक बार ज़रूर रुकेगी किसी ढाबे के पास, क्योंकि अगर किसी को कुछ खाना पीना हो तो वहाँ पे खा सकता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये हमारी बस है जो दिल्ली के लिए है और यहाँ पे ढाबे के पास रुक गई है। सो अभी 10-15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे। क्या खाया आरिफ भाई? दाल चावल और बहुत कुछ खाया। क्यों नहीं खाया कुछ, ऐसा क्या हो गया? We'll be right back.
फाइनली रीच दिल्ली। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, अभी हम मेट्रो लेंगे यहाँ से। सो भाई साहब, फाइनली वी फाउंड अ स्टे, और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। दिल्ली पहुँचने के बाद वैसे भी अंधेरा हो चुका था, तो सीधे हम होटल पे आ गए और यहाँ पे हमने रूम ले लिया। दिक्कत हमारे साथ यही हुई कि जहाँ पे बस रुकी थी हमारी, तो वहाँ पे जो ढाबा था, वहाँ पे जो जिस ढाबे के पास बस रुकी थी, क्योंकि हाईवे है तो आसपास में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जहाँ पे रुकती है तो वहीं पे खाना पड़ेगा। उस टाइम पे वहाँ पे हमें कुछ पसंद नहीं आया एक्चुअली, और कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए थी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से हम बिना खाए वहाँ से निकल गए। और भाई साहब इतनी भूख लग रही थी, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आए रूम पे, अभी खाना वाना खा के आए, और अब बस सीधा मुझे लगता है कि फैजान भाई, मुझे लगता है अब दो दिन बाद ही उठेंगे। आप नींद बहुत है भाई साहब, मतलब दिन भर इतनी थकान है, मतलब इतनी थकान होगी ना दिन भर, मतलब बता नहीं सकते। कंटिन्यूसली 1:30 बजे हम बस में बैठे थे चंडीगढ़, और 7:30 बजे 8 बजे हम यहाँ पे मतलब दिल्ली में एंटर हुए थे। तो अब खुद ही काउंट लगा लो कितने घंटे हम कंटिन्यूसली बस में सफ़र कर रहे थे। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। बाकी अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो एक लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बता दो जो भी, चाहे वीडियो में कुछ भी लगे, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा, वैसे हमारा भी फ़ायदा है, थोड़ा सा हमें समझ आता है कहाँ पे सही हुआ है कहाँ पे नहीं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो टेक केयर, टाटा, फी अमान। We'll be right back.